नमस्कार सीएसके न्यूज़ में भाइयों बहनों आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जय जय श्री राम। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, पांच बड़ी खबर निकल के आ रही है, 5 मिनट में बताएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले कमेंट के माध्यम से जय सी राम लिखना मत भूलिएगा। आपको बता दें कि 5 बड़ी खबरों में छोटा सा संक्षिप्त आपको बता दें दोस्तों। पहली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि 23 तारीख को संसद सत्र में पास होगा। आपको बता दें कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को ट्रस्ट लेकर आएगा संसद में। जी हाँ, बड़ा फैसला निकल गया है कि 23 तारीख को जो वो ट्रस्ट बनना है, 23 तारीख यानी शनिवार को, इसी शनिवार को नवंबर, आपको बता दें दोस्तों शनिवार बजरंगबली का दिन भी है, और इसी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है कि 23 तारीख को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को लेकर एक बार फिर बड़ा ट्रस्ट निर्माण को लेकर शीतकालीन सत्र, इसी सत्र में प्रधानमंत्री मोदी उस बिल को ला सकते हैं, जिसके बाद सभी लोगों द्वारा माना जा रहा है वो पारित किया जाएगा। ये पहली बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर दोस्तों, आपको फटाफट खबरों बता दें दोस्तों की बड़ी खबर, एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी रोया मस्जिद को लेकर। जी हाँ, आपको बता दें कि असद ओवैसी ने एक बार फिर रोते हुए उन्होंने कहा है कि हमारे साथ पूरा न्याय नहीं हुआ है। कल उन्होंने, आज ट्वीट करके असदुद्दीन ओवैसी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस फैसले को लेकर फिर सवाल खड़ा किया उसने। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि जमीन विवाद मामले में उच्चतम न्यायालय का फैसला किसी भी तरीके से पूर्ण न्याय नहीं है। किसके लिए अनुच्छेद, जिसके लिए अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल किए जाने की जरूरत होती है। ये सबसे अधूरा न्याय या सबसे खराब पूर्ण अन्याय है। ओवैसी अयोध्या के फैसले पर मीडिया के रिपोर्टर का जवाब दे रहे थे। आपको बता दें कि नवंबर को जिस तरीके से 9 तारीख को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण को लेकर फैसला आया था, उसके बाद पूरी तरीके से ओवैसी चिढ़ा हुआ है, और यही कारण है कि ओवैसी के अपशब्द और विवादित बयान को लेकर चारों तरफ उनकी आलोचनाएं हो रही हैं, और इसी को लेकर चारों तरफ रिपोर्ट भी लिखी जा रही है, और माना जा रहा है कि अब 10 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं ओवैसी के खिलाफ पूरे देश भर में। अपशब्द और गलत बयानबाजी, भड़काऊ भाषण और दंगा फैलाने जैसे मुद्दे को लेकर। आपको बता दें कि झारखंड में चुनाव हो रहा है, ये सभी को पता है दोस्तों। झारखंड में चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने एक रैली को संबोधित कर रहे थे, जिसमें भी उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनेगी लेकिन कितने दिन चलेगी ये किसको नहीं पता है। इस तरीके के बयान देने के बाद बिहार के छपरा में और इसी के साथ यूपी में भी ज़बरदस्त तरीके से उन पर विवादित बयान देने का, भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि असदुद्दीन ओवैसी आखिर इस तरीके के बयान क्यों देते हैं। आपको बता दें दोस्तों, इसी के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने उनके भाई भी गलत बयान दे चुके हैं। लेकिन फिलहाल दोस्तों, आज के लिए जिस तरीके से ओवैसी ने कहा है, इसको लेकर अब उनके खिलाफ मुकदमा तो दर्ज हो गया है। लेकिन हम चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों आपको बता दें कि आज संसद में क्या हुआ, कौन सा बिल पास हुआ, उसको लेकर आपको बता दें कि संसद में आज अमित शाह, देश के गृहमंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने खड़े होकर NRC के मुद्दे पर बोला। जी हाँ भाइयों बहनों, अगर आप NRC चाहते हैं इस देश में लागू हो, और ऐसे जितने भी घुसपैठी हैं वो देश से बाहर जाएं, तो एक बार फिर से आप इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा दोस्तों। कमेंट के माध्यम से जय जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा अगर आप NRC चाहते हैं। आपको बता दें कि आज अमित शाह खड़े हुए संसद में, NRC पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि NRC पूरे देश में लागू होगा। इसी के साथ आपको बता दें कि यूपी में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने NRC लागू करने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद से पूरी तरीके से घुसपैठियों में जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन अब आपको बता दें कि हम एक घुसपैठियों की और बात करने वाले हैं। उस घुसपैठियों के नाम है ममता बनर्जी और असदुद्दीन ओवैसी। ये दोनों पूरे तरीके से दोस्तों जबरदस्त आपस में ही भिड़ गए हैं। जी हाँ, अब आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान कर दिया है कि ममता बनर्जी के राज्य पश्चिम बंगाल में वो चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, ओवैसी ने एक तरफ जहाँ ऐलान कर दिया है कि वो पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे 2021 के विधानसभा चुनाव में, तो वहीं ममता बनर्जी की जो मौलाना और मुसलमानों की जो वोटों की जो सेंध मारी है, ममता बनर्जी को अब वो खिसकने का डर होने लगा। उन्होंने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरीके से ये कट्टरता फैला रहे हैं और ये BJP का सहयोग कर रहे हैं। यानी अब एक तरफ ममता बनर्जी स्वयं मौलाना बनी हुई है, तो अब मौलाना की ओट पर टिकी ममता बनर्जी की पार्टी अब ख़त्म होने की राह पे चल गई है। इसी को लेकर ममता बनर्जी भी पूरी तरीके से डरी हुई हैं। यानी NRC के माध्यम से इन दोनों घुसपैठियों को पहली बात तो अमित शाह बाहर करने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अमित शाह ने संसद में साफ साफ कहा, NRC पर इस देश में हमने पहले भी कहा था और आज फिर से एक बार संसद में खड़े होकर पूरे देश को संबोधित कर देना चाहता हूं और बता देना चाहता हूं कि NRC इस देश में लागू होने से कोई रोक नहीं सकता और पूरे देश में लागू करेंगे NRC। लेकिन किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, जो मुसलमान हैं
उनको भी डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो घुसपैठी मुसलमान है, जो बांग्लादेशी मुसलमान है, खाते हैं हिंदुस्तान में, बजाते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान की, उनको तो जाना ही पड़ेगा। तो अगर आप समर्थन करते हैं अमित शाह की इस बात के, या NRC के समर्थन करते हैं दोस्तों, तो आप कमेंट के माध्यम से जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। और NRC अगर आप चाहते हैं तो आप लिखने, अगर NRC जरूर लिखें आप कमेंट के माध्यम से, आप NRC चाहते हैं। फिलहाल बड़ी पाँच टॉप बड़ी खबरों दोस्तों, आज इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। जय जय हिंद, जय श्री राम, जय जय श्री राम।